अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है लर्न इजी के चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त मसूद अहमद शमसी। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरीके से रियल क्रिकेट 19 के मल्टीप्लेयर मोड का कोई भी गेम आप जीत सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से प्लान बनाकर खेला जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि सामने वाला बैट्समैन या बॉलर किस तरीके का है, कैसे खेलेगा, और उसके हिसाब से अगर आप खेलोगे, प्लान बनाकर खेलोगे, तो आप हर मैच को जीत सकते हो। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने एक और चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है कोल्सन गेमिंग, और इसके अंदर मैं आप लोगों के लिए पबजी से रिलेटेड ट्रिक्स एंड टिप्स लेकर आता रहता हूं। और अभी मैंने ये एक वीडियो डाला है जो कि क्लॉक के ऊपर है, यानी कि आप क्लॉक को कैसे सीख सकते हैं अगर आप थंब प्लेयर हैं, तो वो बहुत हेल्प करेगा आपकी। जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को, जानते हैं कि किस तरीके से आपको प्लान बनाकर खेलना है और आप हर मैच जीत सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मुझे टॉस हारने के बाद में बॉलिंग करना पड़ रही है, तो मैं यहाँ पर ये सोच के चल रहा हूँ कि मुझको या तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने हैं इस ओवर में, फर्स्ट ओवर में, या तो कम रन देने हैं। तो मैं यहाँ पर जो मेरी सबसे बेस्ट डिलीवरी है, यानी कि मैंने स्पिनर को यूज़ किया है और मैं फ्लिपर शॉर्ट बॉल यूज़ करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको चाहिए कि आप अपनी जो बेस्ट डिलीवरी है उसको यूज़ करें। तो यहाँ पर मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये डिलीवरी ये खेल पाएगा, समझ पाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों, ये डिलीवरी नहीं समझ पाया, मुझे यहाँ विकेट मिल गया है। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यूज़ करूँगा जब तक ये इसके डिलीवरी समझ में नहीं आ रही है। इससे मुझको विकेट भी मिलेंगे या बॉल मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, मुझको दूसरा विकेट मिलता हुआ है, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं अगली डिलीवरी में कि ये ज़्यादा देर तक नहीं चलती है और बैट्समैन समझ जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक चौका लग गया है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि यहाँ पर लगाना है एक फील्डर, और सेम लेंथ के साथ में मुझको दूसरी डिलीवरी करना है। और जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ड्रिफ्टर, जो कि देखने में तो सीधी होती है लेकिन कट कर बाहर जाएगी और ये बैट्समैन को परेशान भी करेगी। यहाँ पर दोस्तों, ये बैट्समैन कन्फ्यूज़ हो जाएगा और रन नहीं मिलेंगे। अब दोस्तों, जब रन नहीं बनते तो सबसे पहला काम ये करता है सामने वाला अपोनेंट कि किसी तरीके से रन लिए जाए। तो यहाँ पर दोस्तों, एक रन था लेकिन यहाँ पे दो रन लिए उसने और यहाँ पर मुझे एक विकेट और मिल गया। तो इससे ये हुआ कि जो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है वो यहाँ पर तीन जो है गिर चुके हैं। अब यहाँ पर जो नीचे के बैट्समैन होंगे उनकी जो टाइमिंग मीटर है वो बहुत ही कम होगा, जिससे वो सिक्स नहीं मार पाएंगे। तो इसका बेनिफिट आप कैसे ले सकते हो, देखिए यहाँ पर मैंने लिया है फास्ट बॉलर। अब मैं यहाँ पर लेग साइड को पूरा पैक कर दूंगा, तो यहाँ पर मैं डिफेंड को चूज़ करूँगा और यहाँ पे फोर, और यहाँ पर मैनुअल पे जाके जो ये फील्डर है इसको उठाकर मैं यहाँ पे लगा दूंगा, यानी कि लेग साइड पूरी पैक कर दूंगा। और लेग साइड पैक करने से ये होगा जो नीचे के बैट्समैन हैं वो इतने अच्छे टाइमिंग नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगला प्लान ये है कि मुझे रूम नहीं देना है, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे रिवर्स स्विंग, वो भी लो स्पीड में। और जबकि रूम नहीं दूंगा तो ये सिर्फ लेग साइड पे ही मारेगा, उधर हमारे सारे के सारे फिल्टर पैक हैं तो वो या तो फील्ड करेंगे या तो कैच लेंगे। तो यहाँ पर मैं अलग अलग कर रहा हूँ, कभी स्लो कर रहा हूँ, कभी रिवर्स स्विंग कर रहा हूँ, लेकिन स्पीड मेरी लो है क्योंकि अगर मैं स्पीड तेज़ करूँगा तो सिक्स लग सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी आराम से मैंने यहाँ पर बिल्कुल पैक करके रखा है और बीच बीच में मुझको विकेट भी मिल रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, दो ओवर में पांच विकेट भी मिले और 11 रन। लेकिन दोस्तों, अभी आपको बैटिंग करना होगी और बैटिंग करने में ध्यान रखिएगा, जो भी आपका बॉलर है, जो सामने आपके बॉलर है, वो आपको सबसे बेस्ट डिलीवरी डालेगा, जो भी उस अपोनेंट की बेस्ट डिलीवरी उसे आती होगी। तो यहाँ पर आपको एक ही डिलीवरी में समझ में आ जाएगा कि कौन सी डिलीवरी है। तो यहाँ पर मेरा विकेट तो गिरा, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि इसकी जो बेस्ट डिलीवरी है वो है फ्लिपर, यानी कि जो शॉट है लेकिन थोड़ी सी नीचे रह जाती है। तो मैं इसको बहुत आराम से खेल सकता हूँ, सामने आइए, फ्रंट फुट पे आइए और इसको खेल दीजिए। तो जिस तरीके से आप अगर किसी भी अपोनेंट की जो बेस्ट डिलीवरी है उस पर अगर सिक्स या फोर मार देते हैं तो वो लौट के वो डिलीवरी नहीं करेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर जो अगली डिलीवरी आने वाली थी, मैं जानता था कि ये होगी ड्रिफ्टर जो कट के अंदर की तरफ आएगी। तो जो भी स्पिनर की शॉर्ट बॉल रहती है उसको आप फ्रंट फुट पर ही खेलिए, तो मुझको ऑफ साइड में खेलने में कोई दिक्कत नहीं रही। अब दोस्तों, जो भी डिलीवरी जिसके पास नहीं बचती है, बॉलिंग करने का कोई ट्रिक्स नहीं बचती है, तो वो फिर उल्टी सीधी जो है लेंथ में डालेगा, तो वहाँ पर आप आराम से उसे खेल सकते हैं। और यहाँ पर जब भी आप खेलें तो फ्रंट फुट पे ही खेलें अगर किसी स्पिनर को खेल लें। तो इस तरीके से दोस्तों, आप जो है माइंड पढ़ सकते हैं अपने सामने वाले ओपोनेंट का और उसको जो है छका सकते हैं और हर मैच को जीत सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप में से किसी को जानना है मल्टीप्लेयर मोड में कैसे बैटिंग और बॉलिंग करते हैं, तो आपको मैंने सारे के सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ आप जाइए, आपको बहुत हेल्प होगी। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए इसी तरीके के वीडियो मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद।